हाय एवरीबॉडी, फर्स्टली आई एम रियली रियली हैप्पी टू कम हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलके, स्कूल के सभी बच्चों को मिलकर। आई थिंक दिस सपोर्ट माई स्कूल कैंपेन इनिशिएटिव, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू ब्रिंग बेसिक अम्यूनिटीज इन स्कूल, इंस्पायर मोर चिल्ड्रेन, मोर गर्ल्स टू कम एंड एजुकेट देमसेल्व्स। एंड आई थिंक दैट इट्स नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, बिकॉज we all girls want to study, we all inspire to study, but of course for practical reasons, for a lot of these basic reasons, sometimes what I'm be hearing that girl children drop out from schools, so it's a very sad thing, but it's again inspiring when I hear people to support the cause of getting these basic amenities in school, so thumbs up for that. Also my step forward which I've asked them to do is bring in martial arts lessons and make it compulsory for all these schools that they are bringing the campaign, and they promised me that they're going to do that. Kyunki main really samajhti hu ki aajkal jis taur se jis tarah ki hamari society ban chuki hai, ek aurat ek ladki, it's very important for us to take our own actions. Like when we walk on the streets, we should not walk with a man thinking that this man is going to give us security. The man should walk with us saying that she's a black belt, so let's walk with her. So this is what we need to start. Every little girl needs to learn martial arts in school so that she comes home and jab ek ladki ki shaadi hoti hai, the husband should say ki yaar let's marry her, she is black belt expert, yaar ye martial arts janti hai, to we'll be safe. So we need to change the trend in the world, in especially in India, and I think with that I think women are going to get stronger. I think we all women are brave, so I don't think we need to get brave, but yes, stronger we need to be. And stronger not only in the physical aspects but mentally, spirit wise, and that's the order of the day. And my film Mardani is a small step towards that initiative, to inspire girls, to evoke the spirit of Mardani in each little girl. ये जितनी जितनी ये लड़कियाँ बैठी हैं इनमें मुझे मर्दानी दिखनी चाहिए, ये सब छोटी छोटी मर्दानियाँ हैं. और ये फिल्म करते हुए आई काइंड ऑफ डिस्कवर द मर्दानी इन माई सेल्फ अगेन. मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम मर्दानी हो, क्योंकि मुझे तुम्हें मर्दानी दिखता है. मेरे डायरेक्टर भी मुझे सेम चीज बोलते हैं, तो शायद मेरे अंदर कुछ ये बात है कि कोई शायद मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता है. और मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि जवाब कस के देना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है कि छेड़ के देखो तुम मुझको तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, ये अपना एंथम होना चाहिए. एंड एवरी मैन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर रियली लुकिंग एट अ गर्ल इन अ बैड वे. प्यार से देखो तो हम बहुत प्यार देंगे, वी गर्ल्स आर ग्रेट इन गिविंग लव, बट छेड़ना नहीं चाहिए और यू शुड नॉट डिफाई अ गर्ल्स सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट्स माई बिलीफ एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड टू एवरी लिटिल प्लेस दैट आई गो टू, एवरी सिटी दैट आई विजिट. दिस इज वॉट इज माई एम, टू इंस्पायर गर्ल्स, टू इंस्पायर लेडीज, टू इंस्पायर चिल्ड्रेन टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिकम मर्दानीज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस कंपल्सरी कर देना चाहिए. और स्कूल में यही नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल मतलब कि सिटी स्कूल्स में, मैं बोल रही हूँ हर स्कूल, जितने गांव हैं, जितने स्मॉल टाउन्स हैं, जितने सिटीज हैं, हर स्कूल में ये कंपल्सरी होना चाहिए. जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये भी एक सेल्फ डिफेंस का एक होना चाहिए कंपल्सरी हमारे बुक्स में, क्योंकि हम जो सीखते हैं स्कूल में दैट बिकम समथिंग दैट वी कीप ऑन थ्रू आउट आवर लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो जो बेस में वो टाइम पे अगर आप वो इनकल्केट कर देना, तो हर लड़की वही मतलब करने में, जैसे हम बोलते हैं लाइक नो पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड कि बच्चे को सिंगिंग क्लासेस में दो, डांसिंग क्लासेस में दो, स्केटिंग क्लासेस में दो, स्विमिंग क्लासेस में दो, तो व्हाई कांट पेरेंट्स गिव द चिल्ड्रन इन सेल्फ डिफेंस क्लासेस, एंड स्पेशली विद व्हाट वी आर सीइंग, व्हाई शुड वी वेट फॉर जस्टिस टू हैपन, व्हाई कांट वी टेक दैट इन आवर ओन हैंड्स. अगर आप पहले से ही आप अपने आप को मतलब you protect yourself by learning something that is going to make you much more confident as a person, then that thing will never happen. Agar aapki biwi black belt hai, aap unko touch karne ki himmat bhi rakhenge? Aap nahi rakhenge, kyunki aapko pata hoga ki yaar biwi ulte haath ka maar degi. So ye zaruri hai. Aaj se aap se aan meri main tumko na chune dungi, jaan ko chahe chhalni kar do, maan ko na chune dungi. दिल में छू के, दिल को अपने दिल को छू के देखो तो दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. नजर बदल के देखो तो नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो
तुमको नहीं छोड़ूंगी। जैसे कि करण ने भी अभी जब मैं झलक में थी उन्होंने शो पे बोला कि अब तक शायद किसी ने मेरे इंडस्ट्री में मुझे छेड़ने की हिम्मत देखी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं तो नहीं छोड़ूंगी, उल्टा जवाब। अरे वो मुझे बोलते कि मैं मर्दानी हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, वो तो मेरे साथ सुनसान गलियों में चलते हैं ताकि मैं हूँ साथ में। तो बट आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर यू टेल मी दैट, यस्टरडे ओनली व्हेन आई वेंट टू द जागरण ऑफिस, देयर वाज अ स्टोरी बिकॉज दे वर डूइंग दीज मर्दानी स्टोरीज फॉर लास्ट 4 days बिफोर आई रीच देयर, एंड द editor in chief there told me that Rani, we have been doing this about Mardani every day, and just today we have an article in our paper which says that there's a girl who is in Jhansi who was traveling by rickshaw and a guy tried to pass remarks and this, she got down of the rickshaw and she started beating him and thrashing the life out of him. So they have pasted her as the Mardani and put that in the paper. So that is what the spirit should be. And now you tell me the question, then I'll answer. Yeah. So who fashion photographer? See, you know what? Till I don't see it myself, I don't think I should comment on it. But obviously, if it's done in bad taste, it's a wrong thing. But like, you need to know why the person has done something like that. Like obviously, it's done in a bad taste, then of course it should be condemned. Now I would really like to meet the children for whom I'm here, to meet the children and give them Mardani medals, who I think are brave. And who are the Mardanis of the next generation?